हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी है मेरी पर्सनल फेवरेट कच्चे नारियल की कचौरी। और इस कचौरी में खास बात ये है कि ये कचौरी बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और बनने के बाद ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही क्रंची बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कचौरी की रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक बॉल, उसमें एक कटोरी सूजी, थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 चम्मच ऑयल, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका आटा लगाना है, जिस तरीके से हम रोटी का लगाते हैं। अगर आपको सूजी का आटा लगाने में दिक्कत आ रही है तो 2 चम्मच आप इसमें गेहूँ का आटा मिला सकते हो, उससे आटा बहुत ही जल्दी लग जाएगा। और ये मैंने अब आटा लगा लिया है, इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और ये है कच्चा नारियल, जो कि कच्चा नारियल मार्केट में मिलता है, उसे तोड़ना पड़ता है आपको, और उसके बाद में इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। और 4-5 हरी मिर्च और हरा धनिया, तो बस यही हमें कचौरी की फिलिंग के लिए चाहिए था। अब हम इन्हें मिक्सचर के जार में डाल देते हैं, नारियल, धनिया, हरी मिर्च, और इन्हें पीस लेते हैं एकदम बारीक। तो नारियल को आप एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करें, तभी अच्छे से मिक्सी के जार में पीस पाएंगे। और बस अब हम इस मिक्सचर को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया है, और ये अब हम इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मिलाने के बाद अब मिला देते हैं, सिर्फ 1 चम्मच ही मिलाएं, ज़्यादा नहीं, बेसन, इसमें बेसन मिला दें और अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि इसमें नारियल में कोई नमी वगैरह हो तो बेसन सोख लेता है। तो ये कच्चा ही बेसन है, आप चाहो तो तवे पे भूंद कर रोस्ट करके भी बेसन डाल सकते हो, बट ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मिक्सचर रेडी है और देखिए एकदम परफेक्ट है, हमारे फीलिंग तैयार है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कचौरी। तो हमारे आटे को भी रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम जैसे रोटी का हम लगाते हैं, सेम उसी टाइप का आपको ये आटा रखना है। तो अब हम इसके छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। फर्स्ट ये मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं सारे इस तरीके से, और अब एक लोई को इस तरीके से हाथ से गोल करें, और उसके बाद उंगली से प्रेस करते हुए आप इसे इस तरीके से कचौरी का शेप दे दीजिए। तो ये देखिए हमने इसे कचौरी का शेप दे दिया है, और अब हम इसमें फिलिंग तैयार कर देते हैं। तो ये 1 चम्मच फिलिंग आप अच्छे से फिल कर लीजिए, बिल्कुल नहीं निकलेगी, इनके निकलने के लिए डरे मत आप, अच्छे से फिल करके, और जिस तरीके से मोमोज़ को आप कैसे पैक करते हैं उस तरीके से इनका अच्छे से पैक करके, और ये बस दोनों हाथों से प्रेस कर लीजिए, और ये रेडी है हमारी कचौरी। हाथ से थोड़ा सा सेट कर दीजिए और इसे रख देते हैं। इस तरीके से हम दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। ये पहले गोल किया, फिर हाथों से इस तरीके से सेट किया, और फिर इसमें 1 चम्मच फिलिंग की। आप चाहो तो थोड़े बड़े भी लोई लेके और फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा भी फिलिंग कर सकते हो, बट मैं तो सिर्फ इसी शेप की बनाती हूँ। एंड बस ये हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए हमने सभी कचौरियों को फिल करके रख लिया है। तो आप ये देखिए, कोई कचौरी छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी सी है, तो इसीलिए अब हम एक चकला और बेलन लेंगे, और बेलन को इन पर घुमाना है सिर्फ 2 बार, इस तरीके से और इस तरीके से, जिससे ये एकदम फ्लैट हो जाएंगी और सारी एक लेवल में आ जाएंगी। तो बस पहले हमें फिलिंग करनी और फिर बेलन से इन पर घुमा लेना है। तो ये सारी एक लेवल की हो चुकी है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल को गरम करने रखा है, जैसे गरम हो जाता है ऑयल, इसमें आप ये कचौरी डाल दीजिए और पलट पलट के इन्हें फ्राई कर लीजिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है ये कचौरी, और ये अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और रेडी है हमारी कच्चे नारियल की कचौरी खाने के लिए। तो देखा आपने, ये कितनी आसान रेसिपी है। बस आप कचौरी को पहले फिल करके रख दीजिए, और जब आपका मन हो इसे फ्राई करके खा लीजिए। तो देखिए एक कट करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी अच्छी है। तो अगर आपको ये कचौरी पसंद आती है तो इस कचौरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।